पूरे एक साल के लंबे इंतजार के बाद नथिंग फोन 2 लॉन्च हो गया है। 11 जुलाई 2022 को नथिंग फोन 1 लॉन्च हुआ था एंड 11 जुलाई 2023 को नथिंग फोन 2 लॉन्च हुआ है। अब बात ये आती है कि ये लेने लायक है या फिर नहीं है। आपको इसका प्राइस तो पता चल ही गया होगा, नहीं पता है तो बता दूं, जो नथिंग फोन 1 है उससे नथिंग फोन 2 का प्राइस जो हाइक हुआ है वो है पूरे 12,000। वो अराउंड 23,000 कुछ का लॉन्च हुआ था विदाउट बैंक ऑफर, ये विदाउट बैंक ऑफर 45,000 का लॉन्च हुआ है। तो 2,000 नहीं, 4,000 नहीं, 6,000 नहीं, सीधा 12,000 रुपये का प्राइस बढ़ा है। हाँ तो भाइयों, आज की वीडियो में को बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कि आपको ये स्मार्टफोन अभी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो तो वीडियो बिल्कुल आपको हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो में घुस लेते हैं। देखो अनडाउटेडली फोन में तो आपको इम्प्रूवमेंट और अपग्रेड देखने को मिलते ही मिलते हैं। डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी परफॉर्मेंस, हर चीज में नथिंग ने इम्प्रूवमेंट किया है। बात करूँ उसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले साइज आपके बढ़ा दिया गया है। लास्ट टाइम आपको 6.55 इंच की डिस्प्ले मिलती थी, अब की बार आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है। और अब की बार नथिंग ने LTPO पैनल यूज किया है। अब आपको LTPO पैनल नहीं पता है क्या होता है, ये एडिप्टिव अपने आप ही 1 से लेकर 120 Hz तक डिफरेंट चेंज करता रहता है जो भी आप कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हो उसके हिसाब से। और जो थर्ड इंप्रूवमेंट है डिस्प्ले में वो है इसकी ब्राइटनेस को लेकर। जो आपको पिक्सल पीक ब्राइटनेस मिलती है वो मिलती है 1600 निट्स की। उसके बाद जो आपको इंप्रूवमेंट मिलता है वो मिलता है कैमरे में आपके पास जो सेंसर है मेन जो कैमरे का वो चेंज कर दिया। आपके पास आपको मिलता है सोनी का IMX890 और जो मेगा पिक्सल है वो सेम ही है 50-50 मेगा पिक्सल। जो अल्ट्रा वाइड है अल्ट्रा वाइड में सेंसर चेंज नहीं किया गया है, उसमें आपको वही सेम सेंसर मिलता है अभी जो पहले मिलता था सैमसंग का JN1। बट जो नथिंग फोन 2 का फ्रंट कैमरा है वो अपग्रेड है, यहाँ पे आपको 32 मेगा पिक्सल कैमरा मिलता है और आपको वीडियो क्वालिटी में भी एक अपग्रेड मिलेगा। अब आप मेन कैमरे से 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं जो कि लास्ट टाइम 4K 30 तक कैपेबल था, बट आप 4K 60 कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे बड़ा मेन जो चेंज आया है इस स्मार्टफोन में वो है इसके प्रोसेसर को लेके। अब की बार आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, लास्ट टाइम आपको Qualcomm Snapdragon 778G Plus मिलता था, बट अब की बार काफ़ी मेजर जैसे बोल सकते हैं वो चेंज हुआ है एंड अब की बार तो आपको एकदम फ्लेक्सिबल लेवल की पहुंच मिलने वाली है। बैटरी भी 200mAh बढ़ा दिया नथिंग ने, लास्ट टाइम 4500mAh की बैटरी थी, अब की बार आपको 4700mAh की बैटरी मिलेगी। और आपको जो मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 45W के। और अपडेट्स को लेकर भी नथिंग ने थोड़ा चेंज किया है, अब की बार आपको 3+4 ईयर्स के अपडेट्स मिलने वाले हैं, मतलब 3 ईयर्स के मेजर वाइज अपडेट एंड 4 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेज अपडेट। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो अब इतना सब कुछ अपडेट किया, देखो इम्प्रूवमेंट तो है वैसे तो, डिजाइन वही है, डिजाइन में कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं किए हैं। जो पंच होल था पहले वो साइड में था, अब वो सेंटर में आ गया है एंड पीछे का तो ऑलमोस्ट सेम सा ही है। डिज़ाइन को लेके तो कोई बड़ा अपग्रेड हुआ नहीं है, बट जो इंटरनल आपको जो अपग्रेड मिल रहे हैं वो काफ़ी ठीक ठाक हुए हैं। अब बात वही आती है कि भाई ये लेना नहीं लेना, आपको पता है जो उसका बेस वेरिएंट का प्राइस है वो अराउंड 35,000 है। अगर आप बैंक ऑफर वगैरह लगाओगे तो आपको 2-3 हज़ार रुपये का छूट मिल जाएगी। अब देखो अगर आप बहुत बेसब्री से चिंता कर रहे थे इसका तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको नीड है, आपको स्मार्टफोन में अपग्रेड भी करना है बहुत जल्दी, आपका फ़ोन में कोई दिक्कत आ रही है, ख़राब हो गया है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, आपको इसे कोई अर्जेंट नहीं है तो आप बिल्कुल इसका वेट कीजिए, क्योंकि आपको पता है जो नथिंग फोन 1 आया था उसका प्राइस आपको अराउंड 33-34 हज़ार मिला था, बट बाद में आपको 25-26 हज़ार का मिला था। तो देखा जाए तो कुछ आने वाले टाइम में सेल वगैरह आएंगी तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे इस पर डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो मैं आपको एक बस यही सजेशन देना चाहूँगा, एक ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी इतनी जल्दी तो चाहिए कि अभी एकदम से ले लिया, अगर थोड़ा लेट लोगे तो आपको शायद 5 से 7 हज़ार के बीच में डिस्काउंट अच्छा मिल जाए, अच्छा खासा। तो गुड मूव तो वही रहेगी, आप थोड़ा वेट करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है स्मार्टफोन, कोई ऐसी कोई खास कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, एकदम ओवरऑल अच्छा पैकेज है नथिंग की तरफ से।